कहते हैं डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर हर संभव प्रयास करते हैं ताकि वह कम समय में ही मरीज को सही उपचार देकर उसे स्वस्थ कर सके। बटेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप तिवारी और डॉक्टर अमजद अली ने एक 62 वर्षीय मरीज जिसे चलने फिरने और सांस लेने में सीने में दर्द हो रहा था वह काफी परेशान था, जिसका उन्होंने नई प्रक्रिया ऑर्बिटल अथेक्टॉमी का उपयोग कर एंजियोप्लास्टी की और मेट्रो हार्ट सेंटर में डॉक्टर्स द्वारा पैर के रास्ते से बिना चीरफार के ऑप्टिकल अथेक्टॉमी पद्धति द्वारा मरीज का ऑपरेशन किया गया। अब मरीज पूर्णतः स्वस्थ एवं सामान्य जीवन जी रहा है। प्रक्रिया के पश्चात मरीज को 2 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया गया। यह जानकारी एक पत्रकार वार्ता में मेट्रो हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने दी है, जिन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से लोगों को बहुत ही आसानी से स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, जिसका प्रयास सफल रहा। एंजियोप्लास्टी की नई तकनीक जो कि भारत में लगभग 1 महीने पहले ही प्रारंभ हुई थी। बढ़िया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल जबलपुर एंड टुडे वी डिड द फर्स्ट केस ऑफ ऑर्बिटल एथेक्टोमी इन जबलपुर। सो कमिंग टू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट, ही वाज अ 62 ईयर ओल्ड मेल who was diagnosed as a case of triple vessel disease in 2019 and was taking natural therapy and some chelation therapy, but now presented with worsening of the angina. Even at rest he was having chest pain, so we took this patient for the coronary angiogram and which revealed the diffusely diseased LAD, and this proximal to mid segment is very much calcified segment. हाल ही में हम लोगों ने ऑर्बिटल एथरेक्टोमी के साथ एक एंजियोप्लास्टी की है, काफी जटिल एंजियोप्लास्टी थी। पेशेंट की तीनों नसों में ब्लॉकेज था, 2 नसें 100% बंद थी और 1 नस 90% बंद थी। इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम जमा हुआ था, बहुत ही टाइट ब्लॉकेज था। उनको बाईपास की सलाह दी गई थी लेकिन वो किसी कारणवश बाईपास नहीं कराना चाहते थे। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ऑर्बिटल एथरेक्टोमी के द्वारा उनकी एंजियोप्लास्टी की। ये एक पद्धति है जो पिछले महीने ही इंडिया में लॉन्च हुई है और सेंट्रल इंडिया में कहूँ तो ये सेकंड केस ही था इंदौर के बाद जो हुआ है। इसमें डायमंड लगी हुई चिप बहुत तेजी से 80,000 आरपीएम की स्पीड में नस के अंदर नस की सफाई करती है, लाइक जैसे कि ड्रिल मशीन साफ करती है, उसी तरह से ये स्टेंट जाने के लिए रास्ता बना देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।